आज संसद में हंगामे के आसार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी से नाराज कांग्रेस, माफी की मांग। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा, बजट सत्र का बॉयकॉट करेगी कांग्रेस, माफी मांगे पीएम मोदी। शशिकला नटराजन के समर्थक सांसद पहुंचे दिल्ली, राष्ट्रपति से मिलकर पार्टी पर पकड़ दिखाने की कोशिश। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव दोपहर बाद पहुंचेंगे चेन्नई, शशिकला को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने पर सस्पेंस बरकरार। फाइव स्टार होटल में ठहराए गए शशिकला नटराजन के 130 समर्थक विधायक, सूत्रों के मुताबिक सभी को दिल्ली लाने की तैयारी। पनीर सेल्वम ने कहा, जरूरत पड़ने पर वो बहुमत साबित करने को तैयार, इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक सीएम है पनीर सेल्वम। पनीर सेल्वम ने बगावत के पीछे डीएम के का हाथ होने से किया इनकार, कहा पार्टी कोषाध्यक्ष पद से हटाने का नहीं है शशिकला को अधिकार। पनीर सेल्वम ने दिया जयललिता की मौत की वजहों की जांच का आदेश, कहा अस्पताल में 75 दिन तक एक बार भी अम्मा से मिलने नहीं दिया गया। यूपी में पहले चरण की वोटिंग के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार, 11 तारीख को 73 सीटों पर पड़ेंगे वोट। प्रचार के आखिरी दिन कई रैलियां, अखिलेश मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद और शमशाबाद, तो राहुल गांधी अलीगढ़ में करेंगे सभा। यूपी में बीजेपी की तरफ से आज मोर्चे पर राजनाथ सिंह, मथुरा, हाथरस, नोएडा और बागपत में करेंगे रैली, उमा भारती भी करेंगी 3 सभाएं। उत्तराखंड में आज राहुल गांधी की मायावती से होगा आमना सामना, राहुल की रैली अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में, तो मायावती हरिद्वार में करेंगी सभा। यूपी चुनाव में उलेमा काउंसिल ने किया बीएसपी के समर्थन का ऐलान, मौलाना रशीद ने किया अपने 84 कैंडिडेट हटाने का फैसला। यूपी में सातवें दौर के चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन, 8 मार्च को 40 सीटों पर होगी वोटिंग। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने किया दावा, 300 सीट पर जीत सकती है समाजवादी पार्टी, पत्नी अपर्णा यादव के लिए कर रहे हैं चुनाव प्रचार। रामपुर में अखिलेश यादव की सभा में अजीब हरकत, किसी ने पत्थर मारकर छेड़ा मधुमक्खी का छत्ता, काफी देर मची रही अफरा तफरी। आगरा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया रोड शो, लेकिन सांसद रामशंकर कठेरिया को लोकप्रिय बताने पर भड़के लोग, हाथ उठाकर किया विरोध। बरेली की सभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को बताया भ्रष्टाचार की देवी, सीएम अखिलेश पर भी हमला, कहा अजगर की तरह निगल गए किसानों का पैसा। रुड़की में चुनाव के लिए रखे कई शराब की पेटियों का भंडाफोड़, निर्दलीय उम्मीदवार के दफ्तर से पकड़ी गई 40 पेटी शराब, 3 समर्थक हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री बाबूलाल सुप्रियो ने गाना गाकर की सभा में 3 घंटे लेट पहुंचने की भरपाई, सितारगंज की सभा में भाषण के बाद सुनाए गाने। मथुरा में चुनाव प्रचार पर लगा ग्लैमर का तड़का, बीएसपी प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंची अभिनेत्री जीना तमान, वोट भी मांगे और गाने भी गुनगुनाए। यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए दिल्ली बॉर्डर पर भी बंद रहेंगी शराब की दुकानें, आज शाम 5 बजे से लेकर 11 फरवरी की शाम तक पड़े रहेंगे ताले। पंजाब में 48 पोलिंग बूथ पर आज दोबारा हो रही है वोटिंग, 4 फरवरी को ईवीएम में आई थी गड़बड़ी, सबसे ज्यादा 16 पोलिंग बूथ अमृतसर के। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार से की किसानों की कर्ज माफी की मांग, सीएम फडणवीस से मिले शिवसेना के मंत्री, कहा चुनाव के बाद पूरे जोर से उठाएंगे मांग। बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई के मुलुंड में सीएम फडणवीस की सभा, कहा विकास और पारदर्शिता है चुनाव में बीजेपी का एजेंडा। बीएमसी चुनाव में एनसीपी का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी स्टैम्प पेपर पर लिख कर देगी चुनाव के बाद नहीं मिलाएगी वापस शिवसेना से हाथ। उद्धव ठाकरे ने फिर निकाली बीजेपी पर भड़ास, कहा सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे की वजह से बना हुआ है मतभेदों के बावजूद गठबंधन। एनआरएचएम केस में यूपी सरकार के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा समेत 3 आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क, सीबीआई कोर्ट ने जारी किया आदेश। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया नोटिस, कहा आपत्तिजनक बयान को रिकॉर्ड से बाहर करें। ग्वाराली के विवादित बयान पर पारिकर आज दोबारा देंगे चुनाव आयोग को जवाब, आयोग ने खारिज कर दिया था भाषण को कुंकड़ी में, गलत ट्रांसलेट करने का पारिकर का तर्क। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के कथित घोटाले में केजरीवाल और उनके साढ़ू की बढ़ सकती है मुश्किलें, एसीबी कोर्ट को आज देगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। विकास के मुद्दे पर घिरी दिल्ली की केजरीवाल सरकार, 12,224 करोड़ के बजट में सिर्फ 60% पैसा अब तक नहीं कर पाई खर्च। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में पुनर्विचार याचिका पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोर्ट तय करेगा कि अंचल बंधुओं को सजा दी जाए या नहीं। गुजरात के नरोदा पाठी आतंगा मामले में आज स्पेशल कोर्ट में दर्ज होगा पूर्व मंत्री माया कोडनानी का बयान, फिलहाल जमानत पर है कोडनानी।
सानिया मिर्जा को सर्विस टैक्स विभाग का समन, 20 लाख न चुकाने का मामला, 16 फरवरी को पेश होने को कहा। महाराष्ट्र के पनवेल में बीते दो दिनों में दूसरी बार रेल की पटरी पर मिली लोहे की रॉड, हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची मालगाड़ी, वक्त रहते ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। मुंबई में रफ्तार का कहर, बांद्रा में रात को टायर फटने से पलटी एक कार, दोनों घायलों की हालत गंभीर, लीलावती अस्पताल लेकर आए गए भर्ती। बंगला फिल्म की एक्ट्रेस वितस्ता साहा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, कोलकाता के फ्लैट में मिला शव, फेसबुक से पता चला, काफी वक्त से थी परेशान। गाजियाबाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद पति शव को कार में डालकर ले गया ससुराल, सास को भी मारी गोली, पुलिस ने बताया वैध संबंध और घरेलू कलह का मामला। गाजियाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं के स्टूडेंट ने मामूली बात पर मारी अपने साथी को गोली, स्कूल में लेकर आया था देसी कट्टा, पुलिस ने हिरासत में लिया। नासिक के पंचपटी में एक स्कूल में तीन नाबालिग छात्राओं से ने की अपने ही साथी की हत्या, 8 दिन पहले इसी इलाके में हुआ था एक छात्र का कत्ल। कानपुर की मोचरी में 5 लड़कों के शव सील करने के लिए पुलिस पर 1,000 की रिश्वत मांगने का आरोप, कल कार एक्सीडेंट में हुई थी 5 लोगों की मौत। कपूरथला में सास की हत्या के आरोप में 2 बहुएं गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक गांव में अवैध संबंध थे दोनों बहुओं के, सास की तरफ से पतियों को सच बताने का था डर। बठिंडा में चर्चित डांसर गोलीकांड में नया मोड़, संदिग्ध हालत में मिली डांसर के पति की लाश, परिवार ने डांसर के घर वालों पर उठाई उंगली। झारखंड के गिरिडीह में यूनियन बैंक से 28 लाख की लूट में पुलिस को मिली अपराधियों की तस्वीर, सीसीटीवी में दिखाई दिए 5 हथियारबंद, तलाश शुरू। दिल्ली के शाहीन बाग में चोरों ने गोली मारकर घायल किया एक चौकीदार को, देर रात घुसे थे घर में, शोर मचाते ही लोगों ने एक चोर को दबोचा। यूपी के बाराबंकी में चेन स्नैचर्स का खौफ, एक और महिला के गले से चेन छीनकर भागे चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। बाराबंकी में प्रेमिका की हत्या के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, कहीं और शादी तय होने से नाराज था चोर, चार दिन पूछताछ के बाद जुर्म कबूला। जयपुर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड नितेश बंधु गिरफ्तार, एसओजी ने 3 साथियों को भी पकड़ा, ब्लैकमेलिंग केस में अब तक 19 गिरफ्तारियां। मुजफ्फरपुर में हफ्ते भर से लापता बच्ची, शहर की रेड लाइट एरिया से बरामद, अगवा करने वाला का अब तक सुराग नहीं। यूपी के सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के नेता की मौत से सनसनी, सड़क किनारे मिला शव, पुलिस को सड़क हादसे का शक। पठानकोट में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से चौकीदार का शव बरामद, पुलिस को अंदेशा आग जलाने के कारण धुएं से दम घुटने से हुई मौत। जलंधर में विदेश भिजवाने के नाम पर फिर बड़ी ठगी, 100 लोगों से मोटी रकम ऐड कर फरार हुआ ट्रैवल एजेंट, दुबई भेजने का दिया था झांसा। गुरुग्राम में एसिड अटैक केस में 2 आरोपियों को उम्र कैद, महिला और उसकी बच्ची पर फेंका था एसिड, जेल में होने वाली कमाई का 7% पैसा भी देना पड़ेगा बच्ची को। कैथल में गोरा होने के चक्कर में बीमार पड़े 12 बच्चे, जेट्रोफा का बीज शरीर पर लगाने से खराब हुई तबीयत, अस्पताल में कराए गए भर्ती। कुरुक्षेत्र में 26 साल की रिंकी के मर्डर केस में मुख्य आरोपी बॉबी और उसका दोस्त गिरफ्तार, एक तरफा प्यार का मामला था, घर में घुसकर हत्या की। इंदौर में 4 जगहों से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की, 7 लोग गिरफ्तार। एमपी के रतलाम में माइनिंग का डिप्टी डायरेक्टर 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने दबोचा, एक ठेकेदार से मांगी गई थी रकम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की को बेरहमी से पीटा, तमाशा देखते रहे लोग। मुंबई गोवा हाईवे पर भीषण हादसा, कार से पेड़ से टकराने पर उसमें सवार 7 लोगों की मौत, विलेपार्ले और मलाड में रहने वाले थे सभी। टेक ऑफ के तुरंत बाद फेल हो गया था गो एयर फ्लाइट का इंजन, दिल्ली में कल हुई इमरजेंसी लैंडिंग, 193 यात्री थे सवार। बिहार के पेपर लीक केस में मोबाइल से बरामद हुआ फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स के नंबर, सचिव परमेश्वर राम और अविनाश को भेजा गया 14 दिन के लिए जेल। देश के 400 रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन शुरू, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 23 स्टेशन पर की काम की शुरुआत। पंजाब के रोपड़ में सतलुज नदी पर बना पुल टूटने से लोग गिरे, लेकिन सबको आई मामूली चोटें, 10 साल पुराने पुल की लंबे समय से नहीं हुई थी मरम्मत। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जंगली भालू ने ली वन क्षेत्र के चौकीदार की जान, 3 दिन में 3 व्यक्ति पर किया हमला, 2 लोग मारे जा चुके हैं। यूपी के हरदोई में लापता बेटे के लिए बुजुर्ग दंपति कलेक्टर में कलेक्ट्रेट में बैठे भूख हड़ताल पर,
पांच साल से लापता है बेटा, तीन लड़के ले गए थे नौकरी का झांसा देकर। रतलाम में सरकारी कार्यक्रम के दौरान भड़के एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री, स्टेज पर पीएम और सीएम को की फोटो न होने पर अफसरों को सुनाई खरी खरी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खनन माफिया की हिमाकत, एसडीएम के सुरक्षा कर्मियों को बंदूक दिखाकर छुड़ा ले गए अपना जब्त किया हुआ ट्रैक्टर। लुधियाना में स्वाइन फ्लू के तीन मामले सामने आने से हड़कंप, अस्पतालों में सुधरने लगे हैं इंतजाम, अफसरों ने शुरू किया दौरा। दिल्ली में खुले में शराब पीने वालों की खैर नहीं, शिकायत करने के लिए दिल्ली सरकार जारी करेगी व्हाट्सएप नंबर, 1500 लोग पकड़े जा चुके हैं अब तक। मुंबई में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लड़के और लड़कियों के लिए कैंटीन को अलग करने का फैसला वापस, बाहरी लड़कों से तंग आकर प्रिंसिपल ने उठाया कदम। मुंबई के बीके जाधव ने की रिटायरमेंट के बाद भी सीएसटी की घड़ियों की देखभाल करने की पेशकश, 38 साल से जाधव ही भरते हैं सीएसटी की 23 घड़ियों में चाबी। नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते में आने वाले ग्राम देवता के मंदिर को सिडको देगा 1 करोड़ रुपए, सरकार देगी दूसरा मंदिर बनाने के लिए जमीन। हरियाणा के कैथल पुलिस ने महिलाओं बुजुर्गों के लिए शुरू किया डू नाइट हेल्पलाइन नंबर्स को, रात में घर से निकलने में डर लगे तो तुरंत मदद के लिए पहुंचेंगे जवान। सरकार ने प्राइवेट डॉक्टर से की अपील, हर महीने की 9 तारीख को दे फ्री सेवा, मुफ्त में करें लोगों का इलाज। नेपाल बॉर्डर पर सैलानी अब विमान से घूम कर सकेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भ्रमण, अक्टूबर से पटना में होगी शुरुआत, 12 से 16 सीटें होंगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन का किराया बढ़ने से सैलानियों में निराशा, 50% तक बढ़ाया गया किराया। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निंदा की, कहा 7 इस्लामिक देशों पर बैन लगाना गलत। सीरिया के अल बॉब में विद्रोहियों ने टर्की आर्मी की मदद से खाली कराए आईएसआईएस के कई इलाके, 58 आतंकियों को मार गिराने का दावा। अमेरिकी सेना का दावा कुछ और दिनों में सीरिया में अलग थलग पड़ जाएगा आईसिस, इसके बाद गठबंधन सेनाएं शुरू करेंगी आखिरी ऑपरेशन। अमेरिकी सेना किराए पर ले सकती है न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में स्पेस, ट्रंप और उनकी फैमिली को सुरक्षा मुहैया कराना बताया जा रहा है मकसद। ट्रंप सरकार के फैसले के विरोध के बावजूद 2 रिपब्लिकन सांसदों ने दिया ग्रीन कार्ड पर विवादित सुझाव, कहा हर साल 10 लाख की बजाय दिए जाए सिर्फ 5 लाख ग्रीन कार्ड। अमेरिका में 4 महिलाओं की हत्या करने वाले विलियम ने की खुदकुशी, फ्लोरिडा में होटल में पुलिस से घिरता देख खुद को गोली मारी। टर्की में 4000 सरकारी कर्मचारी और पुलिस अफसरों ने गवाई नौकरी, पिछले साल तख्ता पलट की साजिश का खुलकर किया था समर्थन। जर्मनी में एक साथ 4 एयरपोर्ट के कर्मचारियों की हड़ताल, 150 से ज्यादा फ्लाइट करनी पड़ी कैंसिल, सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बुलाई गई थी हड़ताल। चीन में खाई में फंसे ट्रक से रेस्क्यू किए गए 4 लोग, तार के सहारे लटक कर बाहर निकाला गया, एक ही परिवार से थे सभी। चीन में जा रही स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान ली गई एक मेगा परिवार की तस्वीर हुई वायरल, परिवार में है 500 सदस्य। फ्लोरिडा में एक सर्कस के दौरान हादसा, प्रैक्टिस करते वक्त वायर टूटने से गिरे 5 कलाकार, 1 को ज्यादा चोट आई। मून पर मानव को भेजने के लिए नासा की मदद करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, साल 2021 तक मिशन को पूरा करने की कोशिश। चीन के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का दावा, चीन बहुत जल्द बन जाएगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट में नंबर 1, पिछले साल 13,000 ऑर्गन हुए थे ट्रांसप्लांट। पूर्वी चीन के टोंगलिंग में बॉयलर फटने में धमाका, बॉयलर प्लांट में धमाका, 2 लोग जख्मी, तेज आग से बची अफरा तफरी। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बड़े इलाके में लगी आग, सूखे की वजह से तेज हुई आग, फायर फाइटर्स की कई गाड़ियों ने पाया काबू। प्राकृतिक आपदाओं के लिए फेसबुक ने अपडेट किया अपना सेफ्टी फीचर, मुश्किल हालात में लोगों तक मदद पहुंचाने में मिलेगी मदद। डाटा के बाद इंफोसिस में खटपट के संकेत, कंपनी की नीतियों में बदलाव पर कुछ प्रमोटर्स ने जताई नाराजगी। हैदराबाद टेस्ट से पहले अजिंक्य रहाणे के पक्ष में बोले विराट कोहली, प्लेइंग 11 में करण नायर की जगह रहाणे शामिल। प्रैक्टिस के दौरान आपस में उलझे टीम इंडिया के खिलाड़ी, वॉलीबॉल खेलते वक्त हुई कहासुनी, बीच बचाव में उतरे विराट। 18 साल बाद वीरेंद्र सहवाग ने खोला राज, अनिल कुंबले 10 विकेट ना ले पाते पाए इसीलिए खुद रन आउट होना चाहते थे। बॉलीवुड एक्टर नीलेदन मुकेश की आज उदयपुर में होगी शादी, सगाई और महिला संगीत की रस्म में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल, मुंबई में होगा रिसेप्शन। नीलेदन की शादी में राजीव कपूर भी पहुंचे उदयपुर, नाथ द्वार मंदिर भी पहुंचे दर्शन करने, फैंस की लगी थी।
दंगल फेम जायरा वसीम बनी सेलिब्रिटी, मुंबई में लॉन्च की विधु विनोद चोपड़ा की बेटी जूनी चोपड़ा की बुक।